इंडिया टाइम 24 न्यूज में मैं आपके साथ सुरभि। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर के पार्षद देवेंद्र लक्की पर उनके घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। लक्की ने 25 अक्टूबर को प्रेम विवाह किया था, उसके बाद से 1.5 महीने में यह उन पर दूसरा हमला है। लक्की पूर्व कांग्रेस विधायक मास्टर राम सिंह के पोते हैं। हमलावर पार्षद के घर में पीछे गली में बने रास्ते से घुसे और उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। पार्षद लक्की की दाहिनी पैर में गोली लगी थी। उन्हें यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पार्षद पर गोली चलाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, DSP हेडक्वार्टर सुभाष चंद, CIA 1 इंचार्ज राकेश मोटरिया, रादौर थाना प्रभारी गुरुदेव सिंह व सीन ऑफ क्राइम के टीम मौके पर पहुंची। टीम की ओर से डॉक्टर चंद्रशेखर ने मौके से सबूत जुटाए। जांच में पुलिस को पार्षद पर चलाई गई गोली का खोल मौके से बरामद नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने घायल हुए पार्षद के परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि वह गोली चलाने के समय मकान के ऊपर कमरों में थे, उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। पुलिस ने पार्षद देवेंद्र लक्की को शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पार्षद देवेंद्र लक्की ने 25 अक्टूबर को शहर की एक लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी से लड़की पक्ष के लोग खुश नहीं थे। 9 नवंबर को पार्षद देवेंद्र लक्की अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तो गांव अलीपुरा के पास उनकी कार को 3 कारों में आए हथियारों से लैस युवकों ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हमलावरों ने लक्की पर लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। लक्की पर हमलावरों ने 3 राउंड फायर भी किए थे, लेकिन वह बच गए थे। हमला करने व जाति सूचक संबंध कहने पर रादौर पुलिस ने पार्षद देवेंद्र लक्की के भाई धर्मवीर की शिकायत पर धारा 148, 149, 285, 506 आर्म्स एक्ट व SEC-HCC के एक्ट के तहत एक युवक सहित 10-12 अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर फिलहाल अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। CIA और रादौर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। जांच के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।